भाई क्या ही मस्त है ना, देख रहे हो? अरे वाह, साउंड के साथ है। ट्रैक चेंज कर लेते हैं, अदर देन हम इधर ही रुक जाएंगे और गाड़ी निकल जाएगी। क्या बात है, ये देखो कौन सा लोकोमोटिव, वेब सेवन आ गया गाइस, वेब सेवन। गाड़ी में बोर्ड होते हैं उसके बाद में मिलते हैं और जगह कवर करते हैं, देखो मिलेगी या नहीं मिलेगी कुछ पता नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। फिलहाल मैं हूँ अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर, मैं अजमेर में हूँ। मैं अभी आया हूँ एक स्पेशल गाड़ी से जो कि थी वर्ल्ड कप स्पेशल, साबरमती से NDLS के लिए चल रही थी। अभी आप यहाँ का सीन देखो भाई, जब से फ्लाईओवर बना है ना तब से बहुत लोगों की हेल्प होती है, ट्रैफिक बहुत कम मिलता है तो आराम से आप रोड क्रॉस कर सकते हो। देखो कुछ ऐसा है, ये अजमेर जंक्शन के बाहर आपको ये भोजनालय मिल जाएगा जो कि IRCTC फूड प्लाजा है, जो कि मतलब सही मिल जाएगा IRCTC के थ्रू, और इस साइड में आपका अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन। अभी देखो गाइस हवा नहीं चल रही इसलिए तिरंगा हमारा नीचे है, और आज ना मैं खुद स्वयं टिकट लूँगा, खुद ही मतलब ऑनलाइन टिकट लेंगे। चलो मशीन दिखाते हैं कैसे आप भी ले सकते हो अगर यहाँ होगी तो। साइड में ज़्यादा क्राउड लग रहा है तो हम उधर जा रहे हैं, और उधर हमें मे भी मिल जाए मशीन जहाँ से हम टिकट ले जाएँ। इधर दो नंबर, इधर ज़्यादा क्राउड लगता है, देख रहे हो इधर कुछ ऐसा सीन है। ये यूजिंग मैप, ठीक है ना, ये अपना भीलवाड़ा हो गया, ठीक है ना, ये भीलवाड़ा हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा अजमेर से भीलवाड़ा, चेंज जर्नी डिटेल यहाँ पर पे कर दो भाई। अब यहाँ पर QR पेइंग किए है, ठीक है ना, यहाँ पर देखना QR कैप आ गया, इसको स्कैन करना और पेमेंट हो जाएगा। सो यहाँ हमें मिल गया टिकट जो कि 60 रुपये का है भाई, ऑनलाइन सबसे बेस्ट है भाई, खुद ही टिकट ले लो। अभी प्लेटफॉर्म नंबर एक पर खड़ी है किशनगंज से लेके अजमेर, अजमेर से किशनगंज गाड़ी, भाई ब्लू कलर के ICF कोच है यहाँ तो। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे क्योंकि हमारी गाड़ी आएगी 5 पे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा है तो फ़ोन चार्ज करते हैं, वीडियो को अपलोड करते हैं, थंबनेल बनाना है, उसके बाद हम मतलब कंटिन्यू करेंगे जर्नी को। हम जा रहे हैं वेटिंग रूम में थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, अपना फ़ोन ऑन चार्ज करेंगे। वैसे वेटिंग रूम में वो लोग जा सकते हैं जिनकी स्लीपर क्लास की टिकट हो, ठीक है ना, बट हम फिर भी चले जाते हैं टॉयलेट के बहाने। सो गाइस अभी बज रहे हैं 12 और अभी मैं पब्लिश करने वाला हूँ वर्ल्ड कप वाली वीडियो, लाइक मैंने थंबनेल बना लिया, वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका था, अभी मैं पब्लिश करने वाला हूँ। जाओ अगर आप लोगों ने नहीं देखा ना तो वर्ल्ड कप देखो जाके। उस वीडियो की हमारी स्टार्टिंग जो थी ना भाई मेट्रो से की थी, भाई क्या सेलिब्रेशन हो रहा था, कितना कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था, लेकिन कहते हैं ना खुशियाँ कब खामोशी में समा जाएँ कोई पता नहीं रहता है। गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:30 और मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे क्योंकि मेरी जो गाड़ी है ना वो आएगी 12:45 पे, वो आती है वैसे ही भर जाती है। तो ये आ गई हमारी गाड़ी, WDP4 का लोकोमोटिव लगा है, डीजल लोकोमोटिव, यहाँ से इसमें चेंज हो जाएगा, मे बी वेब फोर लग जाए इसमें, जोधपुर इंदौर। भाई ये है गाड़ी, देखो क्या खचाखच भरी। अरे भाई साहब इतनी स्पीड में उतर रहे हो, इतनी तो जल्दबाजी नहीं बचानी चाहिए भाई, इतनी स्पीड में उतर रहे हैं ये, देख रहे हो इधर भी क्राउड है उधर भी क्राउड है, अब की बार मैं आगे बैठूंगा इसमें। तो ऐसा करते हैं गाड़ी में बोर्ड होते हैं उसके बाद में मिलते हैं और जगह कवर करते हैं, देखो मिलेगी या नहीं मिलेगी कुछ पता नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। अब इधर सीन देखो भाई, हम SLR वाले डिब्बे में बैठे हैं, ये वाली सीट कवर की है और अभी इधर खाली है, हमने ले लिया रेल नीर जो कि मिली हुई है 15 रुपये की, अभी पहुँचते हैं आगे गाड़ी के पास। सो गाइस हमारी गाड़ी में लग चुका है WEF4 और कपलिंग में दिखा नहीं सकता हूँ इसलिए मैं आ गया हूँ पूजा में, पूजा भी देखो भाई ऐसी कुछ है, अभी हम यहाँ से निकलते हैं जल्दी। ये देखो कौन सा लोकोमोटिव, वेब सेवन आ गया गाइस, वेब सेवन आ गया गाइस। ये गाड़ी अपने रेट शेयर करती है जोधपुर इंदौर, अपने फिक्स टाइम पर गाड़ी का डिपार्चर शुरू हो चुका है 1:10 पे। ये गाड़ी का यहाँ पर 30 मिनट का होल्ड होता है क्योंकि यहाँ पर से रिवर्सल होता है ना, लोकोमोटिव चेंज होता है रिवर्सल होता है, डीजल लेके आता है और इलेक्ट्रिक लेके जाता है। अब ये जो गाड़ी है ना अपने रेक शेयर करती है इंदौर जोधपुर जो कि वाया कोटा वाया जयपुर होके जाती है, तो और ये गाड़ी जाती है वाया अजमेर रतलाम होते हुए, तो आपस में शेयर करते रहते हैं, चलता है इनका सीन देखो, ऐसा कुछ सीन है। अजमेर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई थी हमारी गाड़ी और यहाँ से हम निकल रहे हैं, देखो जम्बू तभी अगर कल जल्दी आ गए तो इसमें जर्नी करेंगे पूजा एक्सप्रेस में। बाय बाय अजमेर।
सो गाइस जोधपुर इंदौर गाड़ी की क्रॉसिंग हो रही है, इंदौर जोधपुर गाड़ी के साथ है, मतलब आपस में एक दूसरे की क्रॉसिंग हो रही है। उधर से आ रही है देखो इंदौर से जोधपुर जाने वाली, और ये है जोधपुर से इंदौर जाने वाली। गाइस दोनों गाड़ियों की आपस में क्रॉसिंग हो रही है। अरे वाह, इसको WAP7 की चलाया है, क्या बात है। ओ भाई साहब क्या बात है, इसको WAP7 खींच के ले आया। गाइस इंदौर जोधपुर इंदौर आपस में एक दूसरे को इंटरक्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर। वाह गई गाइस गई, उसमें WAP7 आ गया भाई, अपग्रेड हो गई गाड़ी। क्या WAP7 और इसमें WAP4, भाई कितना अंतर है दोनों में। WAP7 गाइस अभी सीन देखो गाड़ी का, भाई साहब क्या साउंड के साथ में गाड़ी चल रही है फुल स्पीड में। भाई साहब क्या ही गाड़ी चल रही है यार। अभी देखो गाइस आ गया, भाई क्या ही स्पीड में गाड़ी भाग रही है हमारी, फुल स्पीड में गाड़ी भाग रही है, देख रहे हो भाई साहब। आई डोंट नो कितनी स्पीड है बट जेन्युइन बता रहा हूँ, इसको खींच तो रहा है WAP4। अभी देखो ओ भाई साहब 110 पे चल रही है हमारी गाड़ी ऑन फुल स्पीड पे। अभी देखना यार, नवंबर चल रहा है और यहाँ पर गर्मी कितनी तेज हो रही है, सर्दियों का तो नामो निशान ही नहीं है। ये देखो हमारी गाड़ी भी कब होना धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी है भाई, कब का ही तो वेट कर रहा हूँ मैं इतनी देर से। ये देखो क्या ही खूबसूरत कब आ रहा है यहाँ पे, ओह माय गॉड। यहाँ पर कब अच्छे आते हैं, अरावली के पहाड़ आएंगे उनको चीरते हुए हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। नशीराबाद आ चुका है, नशीराबाद अजमेर के बाद में पहला स्टॉप इसका नशीराबाद आ चुका है। भाई नसीराबाद में वंदे भारत नहीं रुकती है, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि यार यहाँ पे भी रुकनी चाहिए बट यहाँ पर क्राउड नहीं आएगा इसलिए वंदे भारत यहाँ नहीं रुकती है। देखो क्या मस्त शेल्टर बना दिया इन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, कितना बड़ा शेल्टर बना दिया, प्लेटफॉर्म नंबर 2 कितना ही अच्छा कर दिया देखो। सो अगर आप नसीराबाद आते हो तो यहाँ का नसीराबाद का फेमस कचौरा ज़रूर खाना भाई, बहुत बड़ा कचौरा मिलता है। और अभी गर्मी की वजह से, ठंड के टाइम पे गर्मी की वजह से मैं नहीं खा रहा कचौरा, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता किया था। भाई कोई यकीन करेगा कि ये नवंबर का महीना है राजस्थान में, इतनी गर्मी पड़ रही है ना, धूप सीधा आ रही है इस टाइम पर, जहाँ ठंड होनी चाहिए वहाँ पर गर्मी हो रही है, ऐसा सीन है यहाँ पे। देखो हमारा इंजन साफ हमें दिख रहा है, WAP4 फर्स्ट डिब्बे में बैठे हैं इसलिए। भाई क्या ही खूबसूरत है कब, वैसे इधर तो कैप्चर नहीं होगा क्योंकि अपोजिट साइड में इंजन पास में है ना, तो कब तो इधर दिखेगा नहीं, पीछे का दिखेगा, कब हमें इधर दिखेगा देखो। है अभी हमारी गाड़ी का डिपार्चर हो रहा है नसीराबाद रेलवे स्टेशन से, और ये स्टेशन भी पूरा कर्व में बना हुआ है, देखो क्या ही खूबसूरत है यार, और बहुत बड़ा कर्व आएगा। गाड़ी स्पीड बस एक बार खींच दे फुल स्पीड में यहाँ से निकले, मज़ा आ जाए। देख रहे हो गाइस पूरी गाड़ी कर्व हो चुकी है। अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन, उसके बाद अजमेर के बाद में ये पहला स्टॉप आता है नसीराबाद, इसके बाद में आएगा विजयनगर। भाई अभी देखो गाड़ी कितनी कर्व हो रही है, अभी तो पूरी कर्व होगी गाड़ी। आज ये नसीराबाद भी थोड़ा अलग टाइप में बनाया गया है, मतलब स्पेशल गाड़ी को अंदर लेके गया है, ले जाया गया है, देख रहे हो भाई क्या ही। देखो अभी तक मतलब गाड़ी कर्व में है, जबकि मोर देन 1 मिनट से ज़्यादा हो गया, 2 मिनट होने जा रहे हैं भाई साहब।
तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:17, गाड़ी का टाइम था 3:10 या 15 भीलवाड़ा। अभी भी हम गाड़ी में हैं, कोई नहीं, हम 5 या 10 में पहुंच रहे हैं। मैं क्या सो गया था भाई, मैं विजयनगर में उठा था, ठीक है ना, और गाड़ी वहाँ से निकल चुकी थी। उसके बाद में एक और स्टेशन आया था, इसमें रायला, लेकिन मैं नीचे नहीं उतरा भाई, सुनसान सा रेलवे स्टेशन था इसलिए। और मैं भी यार थक गया था, नींद पूरी कर रहा था। कल फिर मुझे सेम ट्रेन में जर्नी करनी है, कल मेरी पूरे दिन की जर्नी रहेगी, नाइट की जर्नी रहेगी, मैं परसों पहुँचूँगा, इसलिए मैं थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ। मैं भीलवाड़ा क्यों जा रहा हूँ भाई, भीलवाड़ा मैं जा रहा हूँ सिर्फ पैकिंग करने के लिए, और पैकिंग ही करके वापस आना है मेरे को, लेकिन मैं कल निकलूँगा। वैसे मैं आज निकल सकता था, लेकिन मैं इतना ऑलरेडी थक गया हूँ ना, तब ब्लॉग नहीं बन पाता है, इसलिए कल निकल रहे हैं। भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन, उतरने दो उतरने दो भाई, गाड़ी खाली हो गई, ये सीट पे हम थे, अभी ये खाली हो गई, उतरने दो उतरने दो, जाओ अंदर बैठ जाओ जाके, सीट खाली, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, दो मिनट, इधर देखो क्या मस्त है सीन, कुछ ऐसा है गाइस। उधर भी लोग चढ़ रहे हैं और इधर भी चढ़ रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी देखो कितना फुल हो रही है भाई, कितना ही फुल हो रही है। सबसे पहले ट्रैक चेंज कर लेते हैं, अदर देन हम इधर ही रुक जाएंगे और गाड़ी निकल जाएगी भाई, गाड़ी 2 मिनट में छूटने वाली है और मेरे को मोर देन 5 मिनट लग जाएंगे इधर ही खड़े रहने में, क्योंकि गाड़ी स्लो चलती है ना, इसलिए आने लगी गाड़ी हमारी वेफ फोर लोकोमोटिव। अभी तो कोई सीन ही नहीं, अभी हम आ चुके हैं इधर WR का WF4 लोकोमोटिव, जो कि पेंटोग्राफ के साथ में चलने वाला है। WF4E लोकोमोटिव का नंबर है 22941, भीलवाड़ा LHB कोचेस के साथ में चलती है गाड़ी। इसका स्टेशन कोड है BHL, जो कि अजमेर NWR में आता है, अजमेर डिवीज़न में। भाई क्या ही मस्त है ना, देख रहे हो, अरे वाह, साउंड के साथ हैं। मैं इस वाले कोच में बैठा था, ये जो भाई खड़ा ना इसके जस्ट पास में। अभी देखो गाड़ी भर चुकी है, यहाँ पे सारे लोग बैठ चुके हैं और सारे लोग मतलब जा रहे हैं, अब धीरे धीरे गाड़ी भर चुकी है। सो गाइस अभी हम जल्दी से चल रहे हैं घर पे, और घर पे जाने के बाद में सबसे पहले तो कपड़े छाटने, भाई कौन से ले जाने कौन से नहीं ले जाने, पैकिंग करनी है और कल के लिए निकलना है घर पे जाके, मतलब यही काम है, पैकिंग करनी है क्योंकि शादी में जा रहे हैं, तो शादी के लिए शादी वाले कपड़े होने चाहिए बस, तो कुछ ऐसा सीन है। तो चलो कोई नहीं, जल्दी से पहुंचते हैं घर पे। और गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर पे, और अभी टाइम हो रहा है 4:00। गाइस 4:00 और अभी मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूं, पहले नहा लेता हूं, फिर कपड़े वपड़ों का देखता हूं, कल मुझे 11:00 वाली गाड़ी 11:30 वाली ट्रेन पकड़ के वापस जाना है मम्मी को लेके। तो फिलहाल अभी हम थोड़ी देर के लिए मतलब काम हम निपटाते हैं, उसके बाद में मिलते हैं, ठीक है। सभी तो नहा लिया, अब मैं खाना खाने जा रहा हूं, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया, बट कोई ना, खाना ना खाते हैं उसके बाद में जल्दी से पैकिंग में लगते हैं। भाई कौन से कपड़े लेके आने हैं, मार्केट से कुछ मतलब लेके आना तो नहीं है ना, लेके आना है, हाँ लेके आना है, अब याद आ गया लेके आना है। तो ऐसा करते हैं खाना ना खा लें, उसके बाद में निकलते हैं घर से। आज बनी है कद्दू की सब्जी, देखो भाई क्या स्वादिष्ट कद्दू की सब्जी है, और रोटियां हैं और साथ में कैसरोल वाला ये अचार है, ये रखा था मैंने कहा आज क्यों ना इसको फिनिश करते हैं, ये मैं पता नहीं कहाँ से लेके आया था बट रखा था ये।